इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। बीकानेर उपनगर गंगा शहर में कोरोना का तांडव देखने के बाद भी आमजन सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझ नहीं रहा है। बाजारों व अस्पतालों में रोज कोरोना संक्रमण से बचाने वाले नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं भीड़ मैनेजमेंट में सिस्टम भी लगातार नाकाम हो रहा है। आज भी गंगा शहर मेन बाजार स्थित शिव प्रताप भट्ट राजकीय सेटेलाइट हॉस्पिटल में डराने वाली भीड़ देखी गई। चिकित्सालय के अंदर का परिसर खचाखच भरा था। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, यहां लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। आज दूसरी डोज वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों में धैर्य की भारी कमी देखी गई। यह नासमझी हर रोज अस्पतालों व बाजारों में देखने को मिल जाती है। यहीं से सर्वाधिक कोरोना फैल रहा है। हालांकि चिकित्सालय के बाहर गंगा शहर थाना प्रभारी रानी दान उज्जवल की टीम के साथ पहुंचे, लेकिन भीड़ देखकर ही खतरे का एहसास किया जा सकता है। बता दें कि पुलिस भी केवल सड़कों पर वाहन रोकने का काम ही कर पा रही है, जबकि पुलिस बल की सर्वाधिक जरूरत बाजारों, वैक्सीनेशन व जांच सेंटरों पर है। जनता यहां हर रोज ऐसे ही कोरोना से सुरक्षा करने वाले नियमों की धज्जियां उड़ाकर जनजीवन को खतरे में डाल रही है। बीकानेर से ब्यूरो चीफ रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। लेकिन भीड़ बहुत है। अभी गंगा शहर के सेटेलाइट हॉस्पिटल में हूँ और जहाँ पर अभी वैक्सीनेशन जो फर्स्ट और सेकंड डोज लगी, जहाँ पर वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त भीड़ हो चुकी है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन आ चुका है। ऐसे व्यक्ता की व्यवस्था होने में भी माई डॉक्टर वाल्मीकि जी साहब सिंह से पूछना चाहता हूँ सर, आप इस हॉस्पिटल के एक जिम्मेदार ऑफिसर भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी इतनी दिक्कत हो रही है, जो सरकार की जो गाइडलाइन दी जा रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन की इतनी भीड़ है, सेकंड डोज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही है, पहले से बहुत पेंडिंग है। आज सेकंड डोज कई दिनों बाद ही आई है, इसलिए लोग उमड़ कर आ रहे हैं, लेकिन सबके लगानी है। डोज अगर लगानी है ये तो जनता खुद सोचनी चाहिए कि हमें किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करनी है, किस तरह से आना है। अब इसमें इतना लोग हमारे पास भी नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में भी आज और हमेशा एक ही रहता हूँ लगभग। अब जो व्यवस्था मेरे को देखनी है, मैंने मेरे पूरे स्टाफ को लगा रखा है इसमें। रही बात लाइन बनाने की और व्यवस्था करने की, तो ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आम आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है। और आज अस्पताल में भीड़ है, रोज बाजार में भीड़ रहती है, बहुत रहती है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ना प्रशासन की कोई बात कहना चाहता हूँ। आम आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड है कि कौन कितने आएंगे सर, कंपनी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एक घंटे में सारी वैक्सीन आते ही शुरू हो जाएगी। हमारे जो थाना अधिकारी हरिदास जी बता चुके हैं, हमसे निवेदन करूंगा कि सर इसको भी भीड़ हो रही है, डिस्टेंस कंट्रोल नहीं हो रही है, भीड़ ताला लगा है। अभी जो भीड़ है उसको बाहर ही रोका गया है और लाइनें लगवा के और जैसे तैसे जो जितने टीके हैं उसे लगवाएंगे, बाकी लोगों को कल लगेंगे, यही कर सकते हैं आप। आपकी तरफ से, हमारी तरफ से यही है कि भाई जनता को भी समझना चाहिए ना, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप टीका तो पता नहीं कारगर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अंदर दो आदमी बीमार हुए तो सारों को बीमारी जरूर लेके जाएंगे। टीका तो पता नहीं कारगर होगा कि नहीं होगा, लेकिन बीमार जरूर कर देंगे लोग अंदर अगर कोई संक्रमित हुआ तो। इसलिए लोगों को बाहर ही रुकना चाहिए। अमित रेणुका जी का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अगर जनता इस चीज को नहीं समझेगी तो प्रशासन और सरकार क्या करेगी? मेरे कैमरा पर्सन शिव शंकर पंचाली के सामने।